गिरिडीह कॉलेज के मल्टीपर्पज भवन में सोमवार को गांडे विधायक कल्पना सोरेन द्वारा झारखंड युवा मोर्चा का कार्यकर्ता मिलन समारोह के साथ कई बड़े आयोजनों का आधारशिला कार्यक्रम तय था, लेकिन इससे पहले ही इस भवन का फॉल्स सीलिंग का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिर पड़ा। गनीमत रही कि इस कार्यक्रम के आयोजन से पहले ही यह हादसा हुआ, जिससे किसी भी तरह की कोई बड़ी घटना नहीं हुई। बता दें कि भवन 6 साल पहले ही बनकर तैयार हुआ था और ठेकेदार ने 6 साल पहले ही इसे गिरिडीह कॉलेज को सौंपा था, लेकिन केवल 6 साल में ही इस तरह से सीलिंग का टूट कर गिरना अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। न्यूज़ विंग के लिए गिरिडीह से मनोज कुमार पिंटू की रिपोर्ट। डोंट वरी सर, घर आपको टाइम पर मिलेगा और ऐसा मिलेगा कि आपकी उंगलियां भी बरतेंगी। ये देखिए सर, A1 क्वालिटी का सीमेंट लगा रहा हूँ मैं। मजबूती का सारा ठेका हम ही लिए हैं का? अरे बॉडी विदाउट स्ट्रॉन्ग बोन किस काम का? देखिए, मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा TMT लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है।